हेलो गाइस, मैं हूं पंकज और 1995 से 2080 तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पार्ट थ्री लेकर आया है इकोनॉमिक्स का, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन। पार्ट रहेगा इकोनॉमिक्स, इससे पहले हम पॉलिटी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबको छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे, जो भी एस्पिरेंट स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम में इन नंबर पर मैसेज करना है और आप हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए जो पेड ग्रुप है वो चालू हो चुका है, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी हमारा पेड ग्रुप ले सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए और जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन होते हैं उनका सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत सारे, आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में सर्च करके भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको वेरियस फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ए रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू बेस इफेक्ट। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है और जनरली बेस इफेक्ट के बेसिस पे वो मेजर की जाती है। तो बेस इफेक्ट का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है आंसर। तो 51 का आंसर है सी, ये एक इट इज द इंपैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। कहने का मतलब, जैसे बेस ईयर जनरली अगर मैं कंसिडर करके चलता हूँ 2011 और 2012, WPI और CPI का, ठीक है, कंसिडर नहीं करना, CPI और WPI का बेस ईयर 2011-12 हो चुका है, जो पहले 2004 और 5 था। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो हैं एक तरह से इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, तो इनका बेस ईयर कितना है, 2011 और 12, इससे पहले हम प्रीवियस जो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सके हैं, ठीक है। बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि 2011 और 12 के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे कि करंट के बेसिस पर कितनी ज़्यादा महंगाई है, बढ़ी है या घटी है, तो ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर के डाटा से मेजर किया जाता है। 52, बोथ FDI एंड FII आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री। बिल्कुल सही बात है कि FDI और FII दोनों ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से दोनों में सबसे अच्छा डिफरेंस क्या है जो दोनों को अलग करता है, FDI और इन्वेस्टर में। एक तरह से मैं ब्रॉड टर्म से आपको मैं बता दूं, FDI जनरली क्या होता है, एक तरह से फैक्ट्रीज इन्वेस्टमेंट में करना, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना, और FII जनरली क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स में, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ये ब्रॉडली समझ लीजिए। 52 का आंसर है बी, 52 का आंसर क्या है, बी। FII हेल्प करता है इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन द जनरल, और FDI जो होता है वो स्पेसिफिक सेक्टर में टारगेट करता है। सिंपल सी बात, अभी मैंने क्या कहा, FII जनरली शेयर खरीदते हैं, तो शेयर खरीदेंगे एक तरह से कैपिटेबल जो कैपिटल होगी वो जनरेट होगी, अवेलेबिलिटी जो है जनरली बढ़ जाएगी, ठीक है, कैपिटल की तो ये बढ़ा देगी। वहीं दूसरी ओर जो FDI होती है ओनली टारगेटेड स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है। जैसे मैंने अगर समुद्र, जैसे सी पोर्ट है उसके बगल में कोई कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो FDI वहाँ आ सकती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बने रहते हैं, समुद्र के पास हैं या हिंटरलैंड में बनाना है, तो ये स्पेसिफिक सेक्टर को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। 53, विद रेफरेंस टू आम आदमी बीमा योजना। देखिए, एक तरह से स्टैटिक योजना है, डिस्कस करके चलते हैं, पूछे जाने की संभावना हो सकती है, तो विथ रेफरेंस टू आम आदमी बीमा योजना कंसिडर करना है कुछ स्टेटमेंट। 53 का आंसर है सी, 1 और 3 दोनों ही सही हैं। देखिए, द मेंबर इंश्योर्ड अंडर द स्कीम मस्ट बी हेड ऑफ द फैमिली। जो भी मेंबर आम आदमी बीमा योजना के अंदर होगा वो फैमिली का हेड होना चाहिए। अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली इन ए रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड, ग्रामीण क्षेत्र में जिसके पास घर नहीं है उसके लिए ये योजना होगी, और एक तरह से फैमिली का हेड होना चाहिए। तीसरा जो है, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ फॉर फ्री स्कॉलरशिप अप टू 2 चिल्ड्रन जिसके होंगे उनको फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्लास दी गई है 9 से लेके 12वीं कक्षा तक, बाकी इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि ये 18 साल से 59 वर्ष तक है, ना कि 30 से 65 वर्ष तक, ठीक है। 54, माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल लो इनकम ग्रुप। जो माइक्रो फाइनेंस के जो प्रोविजन होते हैं जनरली लो इनकम ग्रुप के लिए होते हैं, जो बहुत कम अर्निंग करते हैं। दिस इंक्लूड बोथ कंज्यूमर और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये कंज्यूमर को भी इंक्लूड करता है और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो द सर्विस रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस, तो कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं माइक्रो फाइनेंस के अंदर, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस के अंदर। आंसर है चारों, आंसर है डी, चारों ही सही हैं। क्रेडिट की फैसिलिटी दी जाती है, लोन मिल जाता है उसमें, वो सेव भी कर सकते हैं, उनको इंश्योरेंस मिल सकता है, और एक जगह से दूसरी जगह वो फंड भी भेज सकते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस में ये चारों चीज़ अवेलेबल हैं, आपको लोन मिल सकता है, आप सेव कर सकते हैं, इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, और फंड को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है,
अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम जी नरेगा आप कह सकते हैं, महात्मा गांधी का नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अभी भी बहुत ज़्यादा रोजगार दिए जा रहा है, बहुत ज़्यादा 100 दिन का जो काम होता है, जो अनएम्प्लॉयड है उनको रोजगार दे जा रहा है। एलिजिबल क्या होते हैं, 55 का आंसर है। देखिए एक तरह से जब एम जी नरेगा की बात आती है तो एक तरह से रेसिडेंट होना बहुत ज़रा अवेलेबल हो जाता है कि पर्टिकुलर मैं इस गाँव का हूँ तो दूसरी जगह मैं अप्लाई करता हूँ तो वो नहीं होता है। 55 का आंसर है डी, एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउसहोल्ड, किसी भी हाउसहोल्ड का एडल्ट मेंबर होना चाहिए एम जी नरेगा के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेसिडेंट भी कंसिडर किया जाता है बहुत बार कि रेसिडेंट होना चाहिए, और एम जी नरेगा में मेन एलिजिबिलिटी है एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउसहोल्ड। 56, व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय लोकसभा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एनुअल यूनियन बजट पास नहीं किया जाता है लोकसभा द्वारा तो इससे हम क्या समझते हैं, आंसर है डी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सबमिट करना पड़ता है अपना रेजिग्नेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। इवन द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इवन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं, हालांकि हेड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, बट जब यूनियन बजट पास नहीं होता है लोकसभा द्वारा तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सभी को रिजाइन करना पड़ेगा। एक तरह से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी मेजोरिटी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है और नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पास हो चुका है और इसलिए वो यूनियन बजट पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टेंट अमाउंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पास हो चुका है। तो जब भी नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पास होता है मेजोरिटी के बेसिस पे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, रिजाइन कर देंगे तो वो बजट कैसे पास करेंगे। 57, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 आप सबको पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 57 का आंसर है डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी गिवन अबव इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखिए पहला बोल रहा है इट इंक्रीजेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, बिल्कुल गलत। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गलत है। ये ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करता है, तीनों ही पॉइंट गलत हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन आप सबको पता है यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्स कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, यूनियन कितना लेवी करेगी और किस तरह से वो स्टेट को देंगे, रिकमेंडेशन देती है फाइनेंस कमीशन। उसके बाद बहुत सारे ग्रांट इन एड की बात करते हैं कि किसी स्टेट को सपोज केरल का फ्लड आ चुका है तो उसको नीड है, केरल में फ्लड आ चुका है तो उसमें ग्रांट इन एड कितनी देनी चाहिए वो हमारा डिस्कस करता है, यह आर्टिकल 275 में मेंशन है। ठीक है, कितनी ग्रांट इन एड देनी चाहिए। आगे जो भी कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है स्टेट के वो किस तरह से रिसोर्सेज पंचायत को म्यूनसिपैलिटीज को रिसोर्सेज देंगे वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी करता है, एक तरह से स्टेट का फाइनेंस कमीशन इसमें हमें देखने को मिलता है, तो तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। 58, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वोट ऑन अकाउंट और वोट ऑन अकाउंट और इंतरिम बजट का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो 58 का आंसर है बी, सिर्फ सेकंड सही है, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट ये सिर्फ डील करता है एक्सपेंडिचर के साथ कि कितना भारत सरकार ने खर्चा किया, स्पेंड किया, वो वोट ऑन अकाउंट बात करता है। बाकी जो इंतरिम बजट होता है वो एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करता है और रेसिप्ट मतलब कितना ज़्यादा पैसा जनरेट हुआ, कितना ज़्यादा खर्च हुआ, ये हमारा इंटरिम बजट बताता है। एक तरह से वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट के बीच में डिफरेंस में आपको बताना चाहूँगा, वोट ऑन अकाउंट सिर्फ डील करता है एक्सपेंडिचर के साथ, इंटरिम बजट एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट के दोनों के साथ। ठीक है, जनरली वोट ऑन अकाउंट जैसे एक्सपेंडिचर के बेसिस पर बात करते हैं तो वोट ऑन अकाउंट जो होता है जनरली वो 2 या 3 महीने के लिए हो सकता है, बट इंटरिम बजट जो होता है 1 साल के लिए होता है, ये भी डिफरेंस याद हमें रखना पड़ेगा। 59, वट इज़ द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन बाई कॉमर्शियल बैंक ए कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। देखिए क्यों एक टीजर लोन को ऑफर करना इकोनॉमिक कंसर्न माना जाता है कॉमर्शियल बैंक द्वारा। ठीक है, टीजर लोन क्या होते हैं ये समझ लेंगे तो हमको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। 59 का आंसर है ए, सिर्फ एक ही सही है। टीजर लोन आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लैंडिंग। देखिए सब प्राइम लैंडिंग जनरली क्या होता है, ऐसे लोगों को लोन देना जिसमें जनरली एक तरह से कंसर्न हो कि हाँ ये रीपे नहीं कर पाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट ना ही इंटरेस्ट, तो उसे सब प्राइम लेंडिंग कहते हैं। एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर इन फ्यूचर, अब हमें पता है ये फर्स्ट सही हो गया, फिर टीजर लोन यही होते हैं कि एक तरह से सब प्राइम लेंडिंग जिसमें कि बैंक को पता रहता है कि हाँ ये फ्यूचर में डिफॉल्ट करेंगे या रीपे नहीं कर पाएंगे, तो सब प्राइम क्राइसिस यहीं से इनिशिएट हुआ है। ठीक है, अभी हमने कहा यूएसए में
जो क्राइसिस आया था, सब प्राइम क्राइसिस आया था 2008 में और उससे भी पहले। तो सब प्राइम क्राइसिस क्या होता था, यूनाइटेड स्टेट के कुछ बैंक थे, उन्होंने अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत लोगों को लोन पे पैसा दे दिया, उन्होंने घर तो बना लिए फिर वो रिपे नहीं कर पाए, एक तरह से विकास के लिए। कोई भी सब प्राइम लैंडिंग क्यों करता है, अब बैंक को पता है कि ये रिपे नहीं कर पाएंगे, बट एक तरह से कंट्री के डेवलपमेंट के, वहाँ के वेलफेयर के लिए फिर भी दिए जाते हैं लोन, तो इसलिए टीजर लोन को नहीं देते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन तो यही हो गई कि फ्यूचर में डिफॉल्टर होंगे तो उसे टीजर लोन कहेंगे। अब भारत की अगर मैं बात करूं तो ये टीजर लोन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये टीजर लोन जनरली एंटरप्रेन्योर्स या मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट यूनिट्स को दिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए अगर इनको देंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जनरली ये हाउस होल्ड को दिया जाता है, जिसको पर्टिकुलर घर बनाने हैं उनको ये टीजर लोन दिया जाता है, ठीक है, होम बायर्स जो होते हैं जनरली उनको ये टीजर लोन दिए जाते हैं। तो 59 का आंसर है ए ओनली, अगर यहाँ पर होम बायर्स होता तो दोनों ही सही होते, 59 का आंसर है ए। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन द फर्दरिंग द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें से ये 1990, हालांकि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो चुका है, इसमें से कौन, देखिए तीनों ही सही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर प्रमोट करते हैं या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करते हैं और राइट टू एजुकेशन को इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट होना, विकास होना, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाना, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाना। तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही आंसर स्टेटमेंट जो है हमारे सही हैं। 61, वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस इन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन द CPSE, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत सरकार क्यों डिस इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनी है अगर वो भारत सरकार के अंदर आ रही है तो हम कहेंगे कि पूरे 100% जो शेयर हैं वो भारत सरकार के हैं, तो क्या ऐसा रीज़न रहता है जिसमें कि भारत सरकार को अपने शेयर कम करने पड़ते हैं, अपनी इक्विटी को शेयर करना पड़ता है, चाहे वो 51% है चाहे वो 50% से कम है। तो हमने ये वीडियो बना चुके हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट PRS इंडिया, आप देख सकते हैं। तो यहां पर पहले क्वेश्चन समझते हैं, तो 61 का आंसर है डी, दोनों ही गलत हैं। देखिए पहला क्या ऑप्शन कह रहा है कि क्यों, हमने क्वेश्चन क्या है कि CPSE, CPSE जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, भारत सरकार उसमें अपनी इक्विटी क्यों कम कर देती है। पहला, गवर्नमेंट इंटेंट टू यूज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक एक्सटर्नल डेब्ट, बिल्कुल गलत बात है। डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते हैं कि उन्होंने कोई लोन लिया रहता है या एक्सटर्नल डेब्ट उसको चुकाने के लिए, बिल्कुल गलत है। दूसरा, गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंट टू रिटेन द मैनेजमेंट, ऐसा भी नहीं है कि उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है। 61 का आंसर है डी, दोनों ही गलत हैं। जनरली मेनली जो मनी यूज़ किया जाता है वो डिसइन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, वो जनरली सोशल सेक्टर के लिए किया जाता है कि हाँ एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है या दूसरी चीज़ों में, एक्सटर्नल डेब्ट के बेसिस पे। तो हमें बहुत ज़्यादा ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग देखने को मिलते हैं। 62, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजली कपल्ड विथ, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है तो जनरली हम इसको किसके साथ कपल करेंगे, इन्फ्लेशन के साथ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखने को मिलता है। 63, द लोवरिंग ऑफ बैंक रेट बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट क्या करती है, कम कर देती है, तो इससे क्या होगा। सबसे पहले आपको जानना होगा बैंक रेट का मतलब क्या होता है कि किस बेसिस पर दिया जाता है, लोन दिया जाता है। तो लो बैंक रेट होगा तो इसका मतलब और ज़्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट में। देखिए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट कम कर देती है तो बहुत ज़्यादा लोग लोन लेंगे, लोन लेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, बैंक रेट और ज़्यादा जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो लोन लेंगे, जो कंज्यूमर हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 63 का आंसर है ए, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी का मतलब बहुत ज़्यादा कैश होगा, बहुत ज़्यादा लोग फिर इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। 64, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप करती है एक्सपोर्ट पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विथ UNDP के सपोर्ट के साथ, तो इसमें से क्या क्या कवर करते हैं, अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखी जाती है तो उसमें क्या क्या कवर होता है। 64 का आंसर है ए, क्या है ए, जिसमें डेप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन हेल्थ एसेट सर्विस एट हाउस होल्ड लेवल पर, तो इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी माना जाता है कि एजुकेशन नहीं मिल पा रही, हेल्थ नहीं मिल पा रही, एसेट नहीं है, सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं हो रही हैं किसी हाउस होल्ड लेवल पर, ठीक है। बाकी ये परचेजिंग पावर इससे मतलब नहीं है, एक्सटर्नल बजट से कुछ मतलब नहीं है, आंसर है 64 का ए, ठीक है। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज आर अमंग द नोटिसेबल फीचर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 13th फाइनेंस कमीशन क्या है। मैंने कहा अभी जो 14th फाइनेंस कमीशन नहीं आया, एक तरह से लॉन्ग टर्म का बनाने लग गए हैं, 60 टर्म की स्ट्रेटजी, 7 ईयर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, 2024 तक क्या बनाएंगे। अगर 13th फाइनेंस कमीशन, सॉरी वो 5 ईयर प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो 15th फाइनेंस कमीशन की भी रिकमेंडेशन आ चुकी है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया, ये 13th फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, मैं सोच रहा था 12th 5 ईयर प्लान, उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान के बाद 13th 5 ईयर प्लान कभी नहीं आया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटजी आई कि हाँ 7 ईयर स्ट्रेटजी है, 2024 तक क्या करना है। बट फाइनेंस कमीशन आपको, क्योंकि फाइनेंस कमीशन तो आर्टिकल 280 में लिखा गया है, जो कि प्रेसिडेंट हर 5 वर्ष में क्रिएट करता है, सिंपल सी बात है, उससे पहले भी बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 65 का आंसर है ए, कि क्या क्या दिया था, ए ओनली इसका आंसर है, ए ओनली इसका आंसर है। ए डिजाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कंपनसेशन पैकेज लिंक्ड टू एडरेंस टू प्रपोज्ड डिजाइन, जनरली जो जीएसटी टैक्स है उसके बारे में 13 कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीएसटी में पूछा जा सकता है 13th फाइनेंस कमीशन के बेसिस पर। ठीक है, 66, क्योंकि जीएसटी अभी इंप्लीमेंट हो चुका है तो उसमें पूछा जाएंगे कि कौन से फाइनेंस कमीशन के बेसिस पर हुआ था, आंसर है 13th। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव स्टेजेस यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, जनरली डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है वो कितना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर रही है, तो आंसर है इसका सी, 231। क्या है, 231, जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात आती है तो इसका जो ऑर्डर है, सिक्वेंस है, राइट 231 है, सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। 2 में क्या है, हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है, 3 में हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, और सबसे लो बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट, अगर जब भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बात करें तो। ठीक है, 67, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन्स अराइज, किस किस ऐसे सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन जो होता है वो बढ़ जाता है, कैपिटल गेन जो होता है बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सपोज आपने क्या करा, एक जमीन भूमि खरीदी, लैंड का टुकड़ा खरीदा सपोज 10 एकड़ का, अब वो उसमें ही उस जिसमें खरीदी 10 एकड़ में 10 करोड़ की वैल्यू मान लेते हैं। उसके बाद कुछ साल बाद जब देखते हैं, जब लैंड रेट वहाँ से हाईवे गुजर के चले जाता है, हाईवे चलाता है, बहुत सारी रोड जाती हैं, डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसी 10 एकड़ की ज़मीन की वैल्यू 100 करोड़ हो जाती है, तो कैपिटल गेन हो जाता है एक तरह से। तो किस वजह से, किस सरकमस्टांसिस में कैपिटल गेन होगा, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 67 का आंसर है बी, क्या है, बी, 2 एंड 3 ओनली, व्हेन देयर इज ए नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन, जो भी मैंने प्रॉपर्टी ली है नेचुरली इंक्रीज हो जाए, जैसे मैंने रोड भेजी है या किसी वजह से, या व्हेन यू परचेज ए पेंटिंग एंड देयर इज ए ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलरिटी, कि हाँ उसमें हमें देखते हैं कि पेंटिंग में विराट कोहली के साइन है, तो हाँ अचानक से हमें देखने को मिलता है कि हाँ ये पॉपुलरिटी है तो ये बढ़ जाएगी। बट पहला ऑप्शन गलत देखने को मिलता है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट का सेल हुआ तो कैपिटल गेन मिल जाएगा, नहीं, वो तो इंक्रीज करेगा ना प्रोडक्ट की सेल, ऐसा नहीं है। तो 2 और 3 ही सही देखने को मिलता है। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। देखिए मनी सप्लाई होती है तो कौन कौन से तरीक़ों से होगी, कौन कौन से 4 ऑप्शन दिए हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाती है किस वजह से, तो 68 का आंसर है सी, 1 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, सही बात है। और तीसरा है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक। देखिए हमें मार्केट में पैसा ज़्यादा लाना है, मनी सप्लाई ज़्यादा करनी है, तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब क्या करेगी, पब्लिक से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगी और जो बैंक होंगे वो पैसा देंगे, वो क्या देंगे, बैंक पैसा देंगे, सिंपल सी बात है। तो इसे एक तरह से ये बढ़ गई। दूसरा, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, देखिए गवर्नमेंट बोरो करेगी सेंट्रल बैंक, तो सिक्योरिटी देगी और उसके बदले में पैसा देगी, तो इन दोनों तरीके से क्या होगा, हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में। 69, अब देखिए ये एक तरह से टूल होते हैं कि मनी सप्लाई को कम करना है या ज़्यादा करना है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेकंड पार्ट में,
कि एक तरह से मनी सप्लाई और कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, एक तरह से टूल है ये, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, जहाँ पर इन्फ्लेशन महंगाई और डिफ्लेशन जो महंगाई कम करना है उससे डील करा जाता है। 69 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड FDI इन इंडिया, इसमें से कौन सा भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करता है। तो 69 का आंसर है डी, 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, बिल्कुल सही है। मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, कंपनी एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनी। तो जनरली FDI इन तीनों में ही आती है, और ये सब FDI, जैसे मैंने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर क्या करता है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज इस पर इन्वेस्ट करता है। FII जनरली कंपनी के शेयर में करते हैं, तो जनरली चाहे वो सब्सिडरी कंपनी हो, एक्सक्लूसिवली फॉरेन कंपनी द्वारा फाइनेंस हो, जैसे एक कंपनी इंडिया में मान लेते हैं, भारत में ये एक कंपनी है, बट एक्सक्लूसिवली वो कोई जापान से हो रही है, सपोज मैनेज हो रही है, तो फिर भी FDI आ सकती है, ठीक है। 70, टू ऑप्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, अभी मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की कि अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करनी है तो इंडिया को क्या करना चाहिए। अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जनरली हमारी 15 साल से 23 वर्ष तक वर्किंग एज पॉपुलेशन हो सकती है, ठीक है, या 28 वर्ष तक, तो इसका पूरी तरह बेनिफिट लेना है, तो आंसर हो जाएगा 70 का ए, हमें स्किल को जो है प्रमोट करना चाहिए। देखिए, अगर हम उनको स्किल देंगे तो वो इंडस्ट्रियल उस पर काम करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, इंडस्ट्रियल वर्क होगा, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो जनरली स्किल में अगर उनकी इन्वेस्ट करेंगे तो वर्किंग एज बहुत ज़्यादा काम करेगी, उनको रोज़गार मिलेगा और इकोनॉमिक हमारा बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। 71, ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेज मे बी कॉज्ड बाई, अगर किसी वस्तु में जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, वो किस वजह से बढ़ेगा। 71 का आंसर है डी, तीनों ही सही हो जाते हैं, क्योंकि अगर देखिए एज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, देखिए मनी सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आने का बहुत ज़्यादा रहता है कि जनरल लेवल ऑफ प्राइसेज इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल की तरह जैसे मैं कहूँगा मेरे पास दो देखिए सप्लाई साइट है और डिमांड साइट होती है, ठीक है, सप्लाई और डिमांड साइट के बेसिस पर हम प्राइस का इंक्रीमेंट जान सकते हैं। सब लोगों के पास पैसा है, देखिए सब लोगों के पास इतने सारे जो पैसे हैं, बट जो सप्लाई साइड होती है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम पोटेटो है मान के चलते हैं, तो इस तरह से इन पोटेटो का प्राइस क्या हो जाएगा, हाइक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा होगा तो प्राइसेज जो हो सकते हैं बढ़ सकते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। ए डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, सिंपल सी बात है, अगर आउटपुट लेवल कम हुआ तो इस बेसिस पे भी किसी भी प्राइस के की जो भी ये कॉमोडिटी का प्राइस है वो बढ़ सकता है, सिंपल सी बात है, आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा तो प्राइसेज वो बढ़ाएंगे। एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड है, डिमांड में बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए कि हाँ मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो एक तरह से इससे भी प्राइसेज बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हम पैसे ज़्यादा होंगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, बट सप्लाई कम है तो ये प्राइसेज बढ़ने का कारण हो सकता है, तो आंसर डी है। 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, 72 का आंसर है, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा कह रहा है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट होगा। 72 का आंसर है डी, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिशिएट, अगर हम नई मनी जनरेट करते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा छापता है तो और ज़्यादा मनी ज़्यादा वो करेगा मार्केट में, और ज़्यादा मनी आएगा तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, अगर हम टू फाइनेंस से बजट डेफिशिएट को अगर फाइनेंस करने की बात करते हैं, और ज़्यादा मनी छापते रहते हैं, प्रिंट करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है। बाकी इन तीनों जो अब एग्जाम्पल है, इन्फ्लेशन होता इनसे भी है, बट सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट इसका ही होगा कि क्रिएटिंग न्यू मनी, नई मनी जनरेट कर रहे हैं या छाप रहे हैं। 73, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम When there is an increase in demand for money, there will be, देखिए supply of money remaining the same, money supply same है, but क्या है demand for money, when there is an increase in demand for money, money की जो demand है वो बढ़ रही है तो उससे क्या होगा। 73 का आंसर है सी, ए डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, सिंपल सी बात है, लोग कब डिमांड करेंगे मनी, कब डिमांड करेंगे, मैं बैंक के पास कब जाऊंगा पैसा लेने, जब क्या होगा ए डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रेट में मिल रहा है, बैंक वाले हमसे कहेंगे सिर्फ 3% में आपको लोन मिलेगा, तो हमारी मनी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक तरह से क्यों करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, देखिए सबके पास लोन होगा तो वो हम बाइक खरीदेंगे, दूसरी कार खरीदेंगे, तो बाइक खरीदेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और बूस्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बूस्ट होगी तो इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है
मनी की अगर डिमांड इंक्रीज हुई इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, ठीक है। 74, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ, इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री में वो तभी होगी जब क्या होगा, आंसर है सी, देयर इज ए कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ एसेट्स। सिंपल सी बात है, कैपिटल फॉर्मेशन अगर की जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ाई जाएगी या बढ़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी, अगर इंटरेस्ट रेट घट जाता है किसी इकोनॉमी में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट अगर घट जाता है किसी इकोनॉमी में इट विल, इससे क्या होगा, तो 75 का आंसर है सी, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, अगर रेट इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, पूरा टोटल ही उसका मैच कर रहा है। 76, विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, मैंने अभी इससे पहले भी डिसाइड कर लिया है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जनरली क्या होता है, जिसमें बात नहीं की गई हो, बात नहीं की गई होगा मतलब जिसका प्रोडक्टिव रिजल्ट ना हो, जैसे मैं एक टैंक खरीद लूंगा आर्मी का, तो उसको मैं क्या करूंगा, अब टैंक से तो वो दुश्मनों को मारेगा पर क्या वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर है 76 का आंसर है सी, 1, 2, 3, 4 तीनों ही सही हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर मैं कुछ टैंक खरीद रहा हूँ वो मेरे को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देगा, किसी का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, सब्सिडी दे रहा हूँ, तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के, ठीक है। 77, विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन IORARC, इसके एक बॉडी दी गई है तो कंसिडर करना है इनके बारे में, ऐसे ही बहुत सारा एशियन के बारे में दे सकता है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में दे सकता है। तो मैं जनरली आपको बता दूं इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज़ क्या हैं, जो इस्टेब्लिश हुई थी मॉरिशस में मार्च 1997 में, जिनका एम क्या था कि इकोनॉमिक और टेक्निकल कॉपरेशन बढ़ाना है, ठीक है। ये एक ही ओनली पैन इंडियन ओशियन ग्रुपिंग है जो कंट्रीज़ को लाता है टुगेदर, और एक तरह से वो सब इकोनॉमिक और टेक्निकल कॉपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो 77 का आंसर है डी, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि इट वॉज इस्टेब्लिश वेरी रिसेंटली इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट ऑफ ऑयल स्पिल, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन, इट इज एन अलायंस मिंट फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी ओनली, क्या ये सिर्फ मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए है, नहीं, अभी मैंने जैसे बताया इकोनॉमिक और टेक्निकल कॉपरेशन इसमें इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में महंगाई को लेकर इसमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा करेक्ट है, तो आंसर है सी, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा मनी सप्लाई, एक मैं आपको अच्छा सा उदाहरण देता हूँ इन्फ्लेशन इसको समझने के लिए कि महंगाई क्यों बढ़ जाती है। एग्जाम्पल कीजिए कि नरेंद्र मोदी जो आते हैं और सभी जितने भी गरीब हैं उनको अकाउंट में 15-15 लाख दे देते हैं, तो क्या इससे क्या पूरी जो महंगाई है या सब लोग अमीर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, इससे क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। अब क्या है, सब लोगों के पास 15-15 लाख रुपए हैं, सब मान के चलिए, ठीक है, बट अभी हमारी कॉमोडिटी मार्केट में तो सेम ही है, जो सप्लाई है वो सेम आ रही है, तो सब लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे अब ये सब लोग खरीदने के, इससे क्या होगा, महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सर्कुलेशन को रोकना पड़ेगा कि लोगों के पास उतना पैसा नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें देना नहीं चाहिए, बट एक तरह से आपको ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन कम होगा तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो कंट्रोल होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, देयर हैज़ बीन परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, हर साल में डेफिसिट हो रहा है, कि जैसे जितना ज़्यादा रेवेन्यू हम कमाते हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन टेकन बाय द गवर्नमेंट, भारत सरकार ले सकती है जिससे कि जिससे कि डेफिशिएट को कम किया जा सके, तो 80 का आंसर है ए, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम एक्सपेंडिचर कम कर देंगे तो डेफिशिएट कम कर देंगे, तो एग्जांपल यहां पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि डेफिशिएट बजट क्या होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, सभी का अकाउंट खोलना है, तो सिंपल सी बात है आंसर रहेगा सी, इससे क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम प्रमोट करेंगे अपने भारत में। फाइनेंशियल इंक्लूजन का कहने का मतलब हर लोगों को जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो अफोर्ड कर पाएँ, सभी लोग एक्सेस कर पाएँ, चाहे कोई भी सेक्शन कोई भी वर्ग का है वो हमारी सोसाइटी में समाज में। 82, विद रेफरेंस टू 14th फाइनेंस कमीशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, जो हमारे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल में, तो 14वां जो फाइनेंस कमीशन था, 13वां तो आपने पता रहा रिकमेंडेशन जीएसटी की दी थी वो भूलना नहीं,
बट 82 में क्या कह रहा है, कौन कौन से रिकमेंडेशन? 82 का आंसर है ए, सिर्फ पहला सही है। इसने इंक्रीज किया है, जो पहले 32% शेयर था सेंट्रल राज्यों को देती थी, बट अब 42% जाएगा। जो भी केंद्र सरकार कलेक्ट कर रही है उसका 42% किसको जाएगा? राज्यों को जाएगा। तो पहला इसका सही है। दूसरा, एक रिकमेंडेशन दी थी सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट के लिए, ये नहीं है, ये सिर्फ यही है। तो इसलिए हमारे को 15th फाइनेंस कमीशन को हमें अच्छे से उसकी रिकमेंडेशन देखनी पड़ेगी कि क्या रिकमेंडेशन दी है। फर्दर 2 जून यूपीएससी प्रीलिम्स जो आने वाला है उसमें हम उसको देख सकते हैं कि एज्यूम कर सकते हैं कि आ सकता है। 83 कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंप्लाइज, देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार इसमें हमने चेक कर लिया है। तो 83 का आंसर है सी, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा, कि हम रूपी से डॉलर में बदल लें पूरी तरह, या डॉलर से, या कोई भी ऐसी करेंसीज है जिसको बदला जा सके फ्रीली, उसे कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी कह सकते हैं। 84 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग। और ये क्या आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्या ये रेजोल्यूशन से बनाया गया है, क्या ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है? ये आपको मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, इसके बेसिस पे आपको बताना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि रेजोल्यूशन से बनी है। तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है पॉज करके। ओके, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय, देखिए कोई भी राज्य सरकार एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स असाइन कर सकती है, ऐसा अधिकार किसने दिया है? क्या फाइनेंस कमीशन ने दिया है, क्या एनडीसी ने दिया है, इंटर स्टेट काउंसिल ने दिया है, या हमारे संविधान ने दिया है? आंसर है फर्स्ट का, हमारे संविधान ने। देखिए हमारा संविधान क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है, जैसे फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 लिखा गया है, वैसे ही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 269 कहता है कि जो टैक्सेस हैं इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम वो भारत सरकार कलेक्ट करेगी, बट जो इनकम की बात आती है, एग्रीकल्चर इनकम की बात आती है, वो हमारी संविधान देता है। ठीक है, वो क्या देता है? संविधान देता है। इसको स्टेट लिस्ट में बताया गया है 7th शेड्यूल भारत सरकार के। इन इंडिया रूरल इनकम आर जनरली लोअर देन अर्बन इनकम, बहुत एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, एनालाइज करना पड़ेगा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र की जो इनकम होती है जनरली शहरी क्षेत्र के इनकम से बहुत कम होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अब देखो यूपीएससी कैसे हमें फंसाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन अकाउंट फॉर दिस, इसमें से कौन कौन से रीजन हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, इस पूरे रीजन को सपोर्ट करते हैं? तो पहला, ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट एंड नो लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर। देखिए हमें अप्रोप्रिएट जानना है, हमें साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, कि रूरल इनकम ग्रामीण क्षेत्र की इनकम जो है कम है अर्बन इनकम, तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं इलिटरेट रहते हैं और साइंटिफिक एग्रीकल्चर नहीं है। देखिए ये दूसरा वाला इसका पार्ट, इस क्वेश्चन का पार्ट ये कुछ हद तक सही लग रहा है कि नो लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर, यस इस वजह से कम हो सकती है, बट क्या पहला पार्ट भी गलत है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी पड़ेगी, ऐसे ही यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट, बहुत सारे फार्मर इलिटरेट होने की वजह से उनकी इनकम कम है, तो ये तो गलत है ना, कि बहुत सारे ऐसे, अगर उनके पास इलिटरेसी है, देखिए बरसों से इलिटरेसी है तक बहुत सारे ऐसे किसान हैं वो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। हालांकि इसका एंड नो अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर ये कुछ हद तक सही था, बट बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल मेथड से भी चल रहे हैं, बट एक साइंटिफिक एग्रीकल्चर एक मे बी द रीजन, ठीक है, बट इलिटरेसी इज नॉट अ रीजन। दूसरा, प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट आर लोअर देन ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, यस ये सही है बिल्कुल, पहला वाला तो गलत है, दूसरा सही है कि सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल बहुत सस्ता मिलता है, उसी को जूस बना के बेचो तो वो ज़्यादा बिकता है, तो पहला दूसरा सही है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन लो एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, ये भी बिल्कुल सही है, आंसर रहेगा हमारा सॉरी डी, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट हमें कंसिडर करने हैं। रीजनल डिस्पेरिटी इन इंडिया आर हाई एंड हैव बीन राइजिंग इन रिसेंटली ईयर्स बिकॉज, देखिए रीजन की डिस्पेरिटी, बिहार इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, गुजरात डेवलप्ड है, राजस्थान डेवलप्ड है, तो ये रीजनल डिस्पेरिटी किस वजह से हो रही है? तो इस कुछ हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो 5th का आंसर है ए, 1, 2, 3 सही है, हमारा अप्रोप्रिएट देखना है, तो बाकी सब सही है। ठीक है,
देखिए चौथा क्यों गलत है, सम एरियाज हैव फेज कंटिन्यूस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। देखिए हालांकि ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है कि रीजनल डिस्पेरिटी, कि अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जल्दी सरकार चेंज हो जा रही है उस राज्य की, तो क्या ये इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यार डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पर ये डायरेक्ट हिट पॉइंट नहीं है। तो प्रिलिम्स और मेन्स में देखिए, मेन्स अगर मेन्स में ऐसा ही क्वेश्चन आता कि रीजनल डिस्पेरिटी क्यों कम है या क्यों इतनी ज़्यादा है हम किसी स्टेट में, तो हम ये चारों पॉइंट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट प्रिलिम्स में हमको थोड़ा सा चूजी होना पड़ता है, हमें अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक तरह से इनडायरेक्ट तरीका है जिससे कि हम रीजनल डिस्पेरिटी को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या रीजनल डिस्पेरिटी का एक कारण है। बाकी सब सही है। देखो परसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम ओनली इन सेलेक्टेड सेलेक्ट लोकेट्स, कुछ ही जगह पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। बिहार में लोग ज़्यादातर फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते, वहाँ से वो सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सम एरियाज आर एग्रोक्लाइमेटिकली, यस नेचर का ये रीज़न है। सम एरियाज आर कंटिन्यू टू फेस लिटिल ऑन नो एग्रीगेशन ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्सिक्वेंट लैक ऑफ सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। ये तीनों ही डायरेक्ट हम कह सकते हैं पॉइंट हैं जो हमारे आंसर को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन फार्मर्स आर अनहैप्पी ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी। जो भारतीय किसान हैं वो अनहैप्पी हैं किस वजह से, टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी एक टर्म है साइंस का, तो ये ऐसे सीड, बिकॉज द सीड प्रोड्यूस्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी, जो भी बीज या सीड प्रोड्यूस होते हैं इस टेक्नोलॉजी द्वारा वो अच्छे नहीं होते हैं, कंसर्न का मामला है, क्यों किसान इससे खुश नहीं है। तो सिक्स्थ का आंसर है सी, गिव राइट टू सेक्सुअली स्टेराइल प्लांट। कहने का मतलब, अगर कोई देखिए हमने सीड डाला लैंड में, वो फ्लावर बन गया है, बट अब जो सीड आएंगे वो सीड ही नहीं देता, वो सीड फर्दर जो नए प्लांट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम किसान को जाके नए सीड खरीदने पड़ते हैं और फिर से वो करता है। तो मतलब जो एग्जिस्टिंग फ्लावर उग चुका है उसके सूट का यूज, सीड का यूज़ नहीं कर पाता है जो किसान है। तो यही रीज़न है एक भारतीय किसान जिससे अनहैप्पी रहता है। ओके, इलेवंथ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं, पहला है, दूसरा है और तीसरा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात की जाती है तो डायरेक्ट आपको अप्रोप्रिएट देखना पड़ता है कि कौन सा सही है। तो इलेवंथ का आंसर है सी, 1 और 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड सही क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेज मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओनली फॉर सीरियल्स। क्या सिर्फ दालों के लिए है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नहीं, बहुत सारे 22 है, उससे भी ज़्यादा है, तो ये गलत हो जाता है डायरेक्टली। तो हम दो को एलिमिनेट कर देंगे, सेकेंड गलत है, और फर्स्ट भी सही है। रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज ए प्रोक्योरमेंट टारगेट रेदर देन ओपन एंडेड प्रोग्राम, बिल्कुल सही है, और तीसरा भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, पूरे क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन हर पार्ट में कवर करके चल रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस तरह से हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल से जुड़े रहिए।